दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को विश्व की सबसे बेहतरीन टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लेजेंड खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया एक बार फिर ग्राउंड पर अपना जलवा दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, 2020 में शुरू हुई रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का दूसरा एडिशन बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। क्रिकेट से संन्यास ले चुके विदेश के लेजेंड खिलाड़ियों के लिए शुरू हुई इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सचिन तेंदुलकर संभालते हैं। तो वहीं पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश की टीमें भी इसमें हिस्सा लेती हैं। आपको बता दें, इस बार भारत इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर शिरकत करेगा और पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर खिलाड़ियों से दो दो हाथ करते हुए नजर आएगा। ऐसे में ये मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा, साथ ही साथ आप कैसे इस मुकाबले का लाइव मजा उठा पाएंगे, ये सब तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, वीरेंद्र सहवाग और एडम गिलक्रिस्ट में से कौन ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का दूसरा सीजन बहुत जल्द ही शुरू हो सकता है। आपको बता दें, ये टूर्नामेंट काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि यहाँ इस खेल के सभी पुराने सुपरस्टार एक साथ एक ही मंच पर एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, इस प्रतियोगिता का आयोजन और संचालन रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज द्वारा किया जाता है और टूर्नामेंट का टाइम, फोकस और ऑब्जेक्टिव सड़कों पर पालन किए जाने वाले सेफ्टी मेजर्स के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस टूर्नामेंट को बीसीसीआई से भी अप्रूवल प्राप्त है और आपको बता दें, इसका पहला एडिशन मार्च 2020 में खेला गया था, जहां क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के इंडिया लेजेंड्स टीम के फाइनल में श्रीलंका लेजेंड्स को हराकर भारत ने टूर्नामेंट जीता था। हालांकि दोस्तों, कोरोना फैलने के चलते पिछले साल इसका आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन अब इस साल अगले महीने से दोबारा टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है और दोस्तों 4 जून से 3 जुलाई के बीच टूर्नामेंट के सारे मुकाबले खेले जाएंगे, जहां आपको बता दें कि सभी मुकाबले लखनऊ, इंदौर और जोधपुर के स्टेडियमों में आयोजित होंगे। इस टूर्नामेंट में युवराज सिंह, सहवाग, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, यूसुफ पठान जैसे सुपरस्टारों को एक साथ ग्राउंड पर वापस से अपना जलवा दिखाने का मौका मिलता है। वहीं इनके फैंस भी ग्राउंड पर इनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से आते हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के पहले मुकाबले इंडिया लेजेंड्स और साउथ अफ्रीका लेजेंड्स की टीम आमने सामने होंगी, लेकिन इस टूर्नामेंट में फैंस को सबसे ज्यादा भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत देखने में दिलचस्पी रहती है, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया और 21वीं सदी की शुरुआत में वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करने वाली ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला काफी कड़ा होता है और इनके खिलाड़ियों के बीच आपस में ही एक बड़ी राइवलरी रही है। ऐसे में दो देशों के दिग्गज खिलाड़ियों के बीच 24 जून 2022 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भिड़ंत होने जा रही है। दोनों ही तरफ स्टार प्लेयर्स की कमी नहीं है और ये मुकाबला काफी रोमांचक होने के आसार हैं, क्योंकि यहाँ ब्रेटली की तूफानी गेंदबाजी से लेकर वीरेंद्र सहवाग की विस्फोटक बल्लेबाजी और इरफान पठान की स्विंग गेंदबाजी से लेकर मैथ्यू हाइडन की क्लास बल्लेबाजी का मजा उठाने का अवसर मिलता है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें, शाम 7 बजे से इसकी लाइव कवरेज शुरू हो जाएगी और टीवी पर मैच का आनंद लेने के लिए आपको कलर सिनेप्लेक्स को ट्यून करना होगा, क्योंकि रोड सेफ्टी सीरीज के सारे मुकाबले इसी चैनल पर दिखाए जाएंगे। भारत के अलावा 7 अन्य टीमें इस बार टूर्नामेंट जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। ऐसे में दोस्तों, आपके हिसाब से क्या इस बार इंडिया लेजेंड्स ऑस्ट्रेलिया को हराने और इस टूर्नामेंट को जीतने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।